कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर चौथे दिन भी आयकर विभाग का छापा जारी है। चौथे दिन धीरज साहू के फॉर्म के मैनेजर बंटी के ओडिशा के बोलांगीर के सुदापाड़ा स्थित ठिकाने से कैश से भरे बैग बरामद किए गए हैं। इन बैगों में करीब 100 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया जा रहा है। गिनती के लिए नकदी से भरे सभी बैगों को बोलांगीर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में ले जाया गया है। पिछले तीन दिनों में करीब 300 करोड़ रुपए की गिनती की जा चुकी है। चौथे दिन भी गिनती जारी है। इसका मतलब है कि अब तक 400 करोड़ रुपए बरामद किए जा चुके हैं। सूत्रों के अनुसार अगर और नकद रुपए बरामद नहीं किए जाते हैं तब भी रविवार की रात तक गिनती जारी रहेगी। बता दें कि बरामदगी के बाद बोलांगीर में SBI मुख्य शाखा में जब्त नोट से भरे 176 पेटियों की गिनती जारी है। शुक्रवार तक 156 बैग नोटों की गिनती हो रही थी, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। आयकर की टीम को सहयोग करने के लिए हैदराबाद से भी आयकर की 20 सदस्यीय टीम शनिवार को बोलांगीर पहुंची है। इस टीम में आयकर विभाग के विश्लेषक भी है। ये टीम कंपनियों में इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जाँच कर सकती है। इस जांच में भी कई तरह के अन्य दस्तावेजों के मिलने की भी संभावना जताई जा रही है। नोटों की गिनती के लिए स्टेट बैंक के विभिन्न विभागों में 50 कर्मियों को लगाया गया है। उनसे दो शिफ्ट में नोटों की गिनती करवाई जा रही है। इसके अलावा आयकर विभाग के कर्मी भी नोट गिनती में लगे हुए हैं। 25 मशीनों से गिनती की जा रही है। विभिन्न बैंकों से मशीनें मंगवाई गई हैं। शुक्रवार को भी गिनती के दौरान कई मशीनें खराब हो गई थी। शनिवार और रविवार को छुट्टी रहने के कारण अधिक मशीनें उपलब्ध करवाई गई है। नोटों की गिनती अभी भी जारी है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने सांसद धीरज साहू के ठिकानों से करोड़ों रुपए की बरामदगी पर कहा कि आज भ्रष्टाचार विरोधी दिवस है और दो दिन पहले ही एक पार्टी के सांसद के घर इतने सारे नोटों की अचंभित करने वाली तस्वीरें देखी। बैंक में काम करने वालों के अलावा किसी ने भी अपने जीवन में इतने नोट नहीं देखे होंगे। इसी के साथ कांग्रेस महासचिव और सांसद जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि सांसद धीरज साहू के बिजनेस से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। उन्हें ये स्पष्ट भी करना चाहिए कि कैसे आयकर अफसरों द्वारा कथित तौर पर उनके ठिकानों से इतनी बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया जा रहा है। इसी के साथ बताया जा रहा है कि अभी तक टीम को रूंगटा ग्रुप के ठिकानों से स्टॉक में गड़बड़ी के अलावा फर्जी बिलिंग के साक्ष्य मिले हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।